बहुत सारे लोग गूगल पर या यूट्यूब पर जाकर डेली ये सर्च करते हैं एक सही बजट कैटेगरी का फोन जिसके अंदर सबसे अच्छे फीचर्स हो और उसकी प्राइस कम से कम हो। ये पूरा डेली सर्च गूगल पर यूट्यूब पर होता रहता है और सर्च करने के बाद भी एक सही तरीके का बजट कैटेगरी वाला फ़ोन जो है नहीं मिल पाता है। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इस वीडियो के अंदर पूरा कम्प्लीटली सॉल्व होने वाला है, क्योंकि टेक्नो कंपनी ने एक ऐसा नया स्मार्टफोन कल इंडिया में लॉन्च किया है जिसके अंदर पूरा कम्प्लीटली फीचर पैक करके कम प्राइस में ये फ़ोन कल इंडिया में लॉन्च होगा है। उसी फ़ोन के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए प्राइस सिर्फ 8,000 रुपये है, और जो लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं उनके लिए इसकी प्राइस 9,000 रुपये है। वीडियो पूरा देखो फिर बोलो। तो हेलो गाइस, मैं हूँ सुनील राउत और आप देख रहे हैं न्यूटेक आविष्कार यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें न्यूटेक आविष्कार यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है टेक्नो कंपनी का स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 70। इस फोन के बारे में आज हम पूरा कम्प्लीटली इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, तो देखते रहिए वीडियो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। इस फोन के अंदर 6.52 इंच का LG प्लस IPS डॉट नॉच डिस्प्ले दिया है जिसका रिजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल का दिया गया है और इसका एस्पेक्ट रेशो 20:9 देखने को मिला है और स्क्रीन टू बॉडी रेशो जो दिया गया है वो है 90.34% का। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो इस फोन के अंदर हमें देखने को मिला है। और बात करते हैं इसके ब्राइटनेस के बारे में, तो 480 nits का पीक ब्राइटनेस इस डिस्प्ले के अंदर हमें देखने को मिला है। बजट कैटेगरी के फोन के डिस्प्ले के लिए जो क्राइटेरिया होता है, ये पूरा क्राइटेरिया इस डिस्प्ले के अंदर मुझे देखने को मिला है और ये पूरा कम्प्लीटली सेटिस्फाई और जस्टिफाई करता है। अब हम बात करने वाले इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो टेक्नो स्पार्क 70 इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है वो है MediaTek Helio G35 का चिपसेट इस फोन के अंदर दिया है और ये एक हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर इस फोन के अंदर हमें देखने को मिला है और इसके अंदर का जो CPU है उसे क्लॉक कर दिया है 2.3 GHz पर इसे क्लॉक कर दिया है। बहुत ही अच्छा और खास प्रोसेसर जो बजट कैटेगरी के फोन में होना चाहिए, तो ये प्रोसेसर हमें इस फोन के अंदर देखने को मिला है। तो गाइस अभी हम देखने वाले हैं रैम और स्टोरेज के बारे में। जनरली क्या होता है, जो बजट कैटेगरी के जो फोन होते हैं जिसकी प्राइस 8,000-9,000 होती है, उस फोन के अंदर हमें ऐसा देखने को मिला है उसकी रैम 2GB की मिलती है और स्टोरेज 32GB का मिलता है। क्या ये सब कुछ हमें यहाँ पे इस फोन के अंदर देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो क्या देखने को मिलने वाला है? तो इस फोन के अंदर आपको ये पूरा डबल मिलने वाला है। इट मींस टेक्नो स्पार्क 70 इस फोन के अंदर आपको कम्प्लीटली 4GB रैम मिलने वाली है। कितनी जीबी की रैम मिलने वाली है? 4GB की रैम इस फोन के अंदर मिलने वाली है और ये जो रैम है ये LPDDR4X रैम इस फोन के अंदर दी गई है। काफ़ी अच्छी रैम इस फोन के अंदर दी गई है। अभी हम बात करते हैं इसके स्टोरेज के बारे में, तो इस फोन के अंदर 64GB का स्टोरेज मिलता है। कितना जीबी का स्टोरेज मिलता है? 64GB का स्टोरेज एक बजट कैटेगरी फोन में मिलता है, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो बजट कैटेगरी के फोन के हिसाब से इस फोन के अंदर हमें बहुत ही कुछ ज़्यादा मिला है। अगर आपको स्टोरेज बढ़ाना है तो आप बिल्कुल इसका स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। एक्सपांडेबल जो स्टोरेज है वो 256GB तक इसका बढ़ा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे फीचर्स इस फोन के अंदर हमें देखने को मिला है। बजट कैटेगरी फ़ोन में बैटरी के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो भी हमें देखना चाहिए। बैटरी की जो कैपेसिटी है वो क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, क्या होनी चाहिए एक बजट कैटेगरी फ़ोन के अंदर जो बैटरी होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 4000mAh होनी चाहिए, 4500mAh होनी चाहिए या 5000mAh की बैटरी होनी चाहिए? तो कितने mAh की बैटरी होनी चाहिए? तो इस फ़ोन के अंदर जो बैटरी दी गई है वो है
6000 कितने 6000 mAh की बैटरी इस टेक्नो स्पार्क 70 में दी गई है, यानी काफ़ी अच्छी पावरफुल दमदार बैटरी इस टेक्नो स्पार्क 70 में दी गई है। यानी बजट कैटेगरी के जो फ़ोन के अंदर बैटरी के लिए जो क्राइटेरिया होता है उससे कई गुना ज़्यादा बैटरी इस फोन के अंदर हमें देखने को मिली है। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स मुझे इस फोन के अंदर देखने को मिला है और बैटरी के कुछ खास फीचर भी हमें इस फोन के अंदर देखने को मिले हैं, जैसे AI पावर सेविंग। कौन सा? AI पावर सेविंग और उसके बाद फुल चार्ज अलर्ट, ये दो खास फीचर्स इस बैटरी के साथ मुझे देखने को मिले हैं। ये जो बैटरी है 6000 mAh की बैटरी 41 hours तक कॉल कर सकते हैं, 18 hours तक आप उसके अंदर गेम्स खेल सकते हैं, 18 hours तक गेम खेल सकते हैं, 18 hours तक आप उसके अंदर वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, 29 hours तक आप इसके अंदर वीडियो देख सकते हैं और 193 hours तक म्यूजिक या गाने सुन सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा बैकअप मेरे हिसाब से इस बजट कैटेगरी फ़ोन में आपको मिलने वाला है। आपको इस बैटरी के बारे में क्या कहना है, क्या ओपिनियन है इसके बारे में, ज़रा नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। बजट कैटेगरी का जब हम एक नया फ़ोन खरीदते हैं उसके अंदर जो खास फीचर्स और इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है वो है कैमरा। कैमरे के ऊपर सबसे पहले ट्राई किया जाता है फ़ोटो की क्वालिटी और क्लैरिटी कैसी है, वीडियो की क्वालिटी और क्लैरिटी कैसी है ये हम देखते हैं और उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि फ़ोन अच्छा है या नहीं है। तो कैमरा इज़ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ फ़ोन। तो इस फोन में इट मीन्स टेक्नो स्पार्क 70 इस फोन में रियर साइड में 48 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा दिया गया है और उसके साथ 4 फ्लैश भी इसके रियर साइड में दिए गए हैं। तो एक काफ़ी अच्छा कैमरा इस बजट कैटेगरी फ़ोन में इट मीन्स टेक्नो स्पार्क 70 इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा फीचर्स लगा है और ये जो कैमरा दिया गया है 48 मेगापिक्सल का उसके साथ उन्होंने उसके फीचर्स भी बहुत अच्छे दिए गए हैं, जैसे AI पोर्ट्रेट मोड और स्माइली शॉट, उसके बाद टाइम लैप्स, स्लो मोशन रिकॉर्डिंग, उसके बाद बुक इफेक्ट, ये भी इसके अंदर दिए गए हैं। गाइस, इस कैमरे के थ्रू आप 2K रिजोल्यूशन का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्लो मोशन का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एट द 120 FPS पर आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। गाइस, फ्रंट साइड में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी के लिए कैमरा दिया है जिसका अपर्चर f2.0 दिया गया है और उसके साथ उन्होंने 2 फ्लैश भी फ्रंट साइड में दिए हैं और इस फ्लैश के जरिए आप नाइट विजन में या नाइट में एक अच्छी सेल्फी निकाल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स मुझे इस फ़ोन के अंदर देखने को मिला है। बजट कैटेगरी फ़ोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो क्राइटेरिया दिया जाता है वो भी हमें कंसीडर करना चाहिए, एक लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ोन के अंदर मिलने चाहिए। तो ये भी क्राइटेरिया इस फ़ोन के अंदर जस्टिफाई होता है। इस फ़ोन में इट मीन्स टेक्नो स्पार्क 70 इट्स रन्स ऑन HiOS 7.6 विच इज़ द बेस्ट ऑन Android 11। इट मीन्स आपको इस फ़ोन के अंदर Android 11 का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा बजट कैटेगरी फ़ोन के अंदर जो होना चाहिए क्राइटेरिया ये भी पूरा कम्प्लीटली जस्टिफाई होता है टेक्नो स्पार्क 70 के अंदर। गाइज, अभी मैं बात करने वाला उसके अदर्स फीचर के बारे में। तो इस फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, ड्यूअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, GPS, 4G, OTG कंपेटिबिलिटी, उसके बाद जो ज़रूरी सेंसर होते हैं ये भी सेंसर इस फ़ोन के अंदर दिए गए हैं। टेक्नो स्पार्क 70 ये फ़ोन 3 कलर के साथ लॉन्च हुआ है। पहला जो कलर है वो है मैग्नेट ब्लैक का, दूसरा जो कलर है वो है ज्वेल ब्लू कलर का और तीसरा जो कलर है वो है निबुला ऑरेंज। ये 3 कलर में ये फ़ोन टेक्नो स्पार्क 70 लॉन्च हुआ है। मेरा पसंदीदा जो कलर है वो है ब्लू कलर। आपका पसंदीदा कलर कौन सा है प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें। गाइस, फाइनली लास्ट का जो पॉइंट आता है वो है प्राइस। ये फ़ोन कितने प्राइस पर हमें मिल सकता है?
मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया ये फ़ोन आपको 8000 रुपये में मिलने वाला है। कितने रुपये में मिलने वाला है आपको फ़ोन? सिर्फ आपको ये फ़ोन 8000 रुपये में मिलने वाला है, बाकी लोगों को ये फ़ोन 9000 रुपये में मिलने वाला है। तो ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में अभी हम जानते हैं। आपको ये फ़ोन 8000 रुपये में इसलिए मिलने वाला है क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा कम्प्लीटली स्टार्ट टू एंड देखा है और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है न्यूटेक आविष्कार यूट्यूब चैनल, इसे आपने सब्सक्राइब किया है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब जो नाम लिखा है उसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये जो फ़ोन है टेक्नोस्पार्क 70, इसे आपको 8000 रुपये में कैसे ख़रीदना है उसके बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ। 15 जून को दोपहर 12 बजे इसका सेल शुरू होने वाला है। कौन सी तारीख को सेल शुरू होने वाला है? 15 जून को दोपहर 12 बजे इसका सेल शुरू होने वाला है। और इसकी जो लिंक है जहाँ से आप फ़ोन खरीदने वाले हैं वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। अभी मैं इसको लिंक डालने वाला नहीं हूँ, 15 तारीख को मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। जिन लोगों को ये फ़ोन 8000 रुपये में चाहिए तो उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। 15 तारीख को दोपहर 12 बजे ये लिंक उनको मिलने वाली है और इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये फ़ोन बिल्कुल 100% खरीद सकते हैं 8000 रुपये में। बाकी लोगों के लिए ये फ़ोन 9000 रुपये में मिलने वाला है क्योंकि उन्होंने मेरा वीडियो देखा नहीं है। जिन लोगों ने वीडियो देखा है और इस लिंक के ऊपर क्लिक किया है और फ़ोन खरीदा है तो उनको सिर्फ ये फ़ोन 8000 रुपये में मिलने वाला है, बाकी लोगों को नहीं मिलने वाला है। क्या आप तैयार हैं इस फ़ोन को खरीदने के लिए? तो 15 तारीख को आपको ये लिंक मिलने वाली है। तब तक इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस फ़ोन का फ़ायदा मिल सके। गाइस ये देखो कुछ जानकारी टेक्नोस्पार्क 70 के बारे में। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।